ये बस सोचने वाली बात है और ये मानवीय पहलू है कि किसी अंधी सुरंग में 41 मजदूर 14 दिनों से अगर फंसे हुए हों, जिनका चेहरा हमने सिर्फ एक एंडोस्कोपी कैमरे के नज़र से देखा हो, जिनकी आवाज़ें हम नहीं सुन पा रहे हैं, वो काफ़ी दिनों तक पाइप से बात करते रहे। पिछले 4 दिनों में ही ऐसी स्थिति हुई है कि उनके पास माइक एक तरह का और एक स्पीकर भेजा गया ताकि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके। तो आप समझिए कि उस अंधेरे में एक एंगजाइटी हो जाती है। मेरी डॉक्टर विशेष जो मेडिकल विशेषज्ञ उनसे बात हो रही थी, वगैरह उस एंगजाइटी के चक्कर में उनको खाना पचाने में दिक्कत हो रही है और ऐसे में उन्हें पेट पेट दर्द, सर दर्द, लूज मोशन जैसी ऐसी कई सारी एंगजाइटी तकलीफें हो सकती है और उसकी दवाइयाँ दी जा रही हैं, डिहाइड्रेशन ना हो और डाइजेशन ठीक रहे उसके लिए वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसकी कमी हो सकती है एंग्जाइटी में, तो इलेक्ट्रोलाइट भेजे जा रहे हैं, खाना पीना स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन ये बात तो है कि आप इतने दिनों से हैं तो उन्हें भी ये चिंता ज़रूर होती होगी कि उन्हें निकाला कब जाएगा, और सबसे ज़्यादा बात कि हर दिन वो जिस उम्मीद में उठते होंगे और उन्हें बताया जाता होगा कि आज मिशन पूरा हो जाएगा, और शाम होते होते सूरज ढलते ढलते उन्हें बताया जाता होगा कि नहीं, इस ऑपरेशन में देरी हो रही है, अब नई योजना पर काम हो रहा है। वैसे ही उनके पास रोशनी के नाम पर सुरंग के भीतर लगी जो पतली LED लाइट्स हैं वही हैं, बाहर की रोशनी तो वो देख नहीं सकते, और इसीलिए उनके परिवारजनों को भी ये चिंता होगी कि कब ये बाहर आएंगे, क्योंकि ना उन्होंने ठीक से दिवाली देखी, ना छठ देखा, ऐसे कई सारे त्यौहार हैं और वो मौका कम नहीं होगा किसी पर्व से जिस दिन वो बाहर आएंगे। लेकिन हाँ, फिलहाल उनकी स्थिति चिंताजनक है। स्वास्थ्य ठीक है, मजदूर हैं, उनसे बातचीत हो रही है, खाना पीना है, शारीरिक रूप से वो इस इलाके को अच्छी तरह से जानते हैं, भौगोलिक रूप से जानते हैं, यहाँ वो काम करते रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो बाहरी दुनिया उस सुरंग के 200 मीटर बाहर क्या हो रहा है उन्हें कुछ नहीं पता। उनकी जानकारी जो उन्हें दी जा रही है उसी में उम्मीदें और नाउम्मीदें जुड़ी हुई हैं।